Then there is models of management ethics. First of all, there are three types of management ethics: moral, amoral, and immoral. So I will explain moral, immoral, and amoral in this diagram. So students, you have seen on the slide that there are three models of management morality. So moral, amoral, and immoral में क्या फर्क है? यहाँ पे हमारे पास four standards हैं. CSR पे economic responsibility first one, second one is legal responsibility, the third one is ethical responsibility, and the last one is philanthropic responsibility. First of all students, आप सबसे last पे देखें moral management. मॉरल मैनेजमेंट में सिंगल टिक रिप्रेजेंटेड ओनली ऑन जस्ट वी आर टेकिंग दिस फैक्टर इनटू कंसिडरेशन. डबल टिक रिप्रेजेंट्स मॉडरेट कंसिडरेशन एंड ट्रिपल टिक इट कंसिडर्स सिग्निफिकेंट कंसिडरेशन. व्हाट डज इट मीन? जब हम मॉरल जजमेंट को सबसे पहले हम मॉरल जजमेंट को देखेंगे. जब आप मॉरल जजमेंट को देखते हैं तो किसी भी पर्सन की अगर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सिग्निफिकेंट वे में एक्सप्रेस हो रही है, इट मीन्स इफ एनीवन इज इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबल, इफ एनीवन इज लीगली रिस्पॉन्सिबल, इफ एनीवन इज एथिकली रिस्पॉन्सिबल एंड इफ एनीवन इज फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबल, अगर ये चारों फैक्टर्स फुलफिल हो रहे हैं तो वो शख्स मॉरली स्ट्रांग है. इट मीन्स मॉरल मैनेजमेंट में फोर फैक्टर्स को कंप्लीटली सिग्निफिकेंट होना चाहिए. इफ एनीवन इज फॉलोइंग, इफ एनीवन इज कंप्लीटली फॉलोइंग फोर फैक्टर्स देन ही इज अ मॉरल पर्सन. ही हिज मॉरल मैनेजमेंट इज एक्सीलेंट. द सेकेंड वन इज अमोरल. अमोरल मीन्स अ पर्सन who is not completely morally strong but who is not completely immoral. So amoral management mein economic responsibility complete hoti hai, legal responsibility moderate, and ethical and philanthropic responsibility just taken into consideration. It means the person who is amoral, he is fulfilling his or her economic responsibility and he is also taking into consideration legal responsibility and a little bit he is following ethical responsibilities. He is completing or he is fulfilling ethical responsibility. So ye amoral person hai. And then we move towards immoral management or a person who is totally immoral. A person who is totally immoral though he is economically responsible, uski economic responsibility strong hai, wo apni economic responsibilities completely puri kar raha hai. Legal responsibility is a little bit taken into consideration. Immoral person is taking into consideration legal responsibility and he is also a little bit taking consideration philanthropic responsibility, but ethical responsibility of an immoral person is zero. It means he or she is not following ethical rules, regulations. He or she is failing to परफॉर्म हिज और हर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक पर्सन जो इमोरल है उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है. इट मीन्स वो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इमोरल मैनेजमेंट, अमोरल मैनेजमेंट एंड मॉरल मैनेजमेंट. यू शुड कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन इमोरल, मॉरल एंड अमोरल अकॉर्डिंग टू द डायग्राम. देन देयर इज developing moral judgment. How moral judgment of a person is developed? There are a lot of sources of moral judgment of a person. There are the external sources as well as there are the internal sources. So
इफ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देर इज अ मैनेजर, उस मैनेजर की वैल्यूज हैं, उस मैनेजर के रूल्स रेगुलेशंस हैं, उस मैनेजर ने उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो उस मैनेजर की वैल्यूज, उस मैनेजर की मॉरल वैल्यूज, उस मैनेजर की एक्शंस, बिहेवियर्स, उसके स्टैंडर्ड्स के कौन कौन से सोर्सेस हैं, व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ ए मैनेजर्स वैल्यूज. एक मैनेजर की वैल्यूज, एक मैनेजर का कोड ऑफ कंडक्ट, एक मैनेजर के स्टैंडर्ड्स जो उसके एक्शंस और बिहेवियर्स को डिक्टेट करते हैं, उसके क्या क्या एक्सटर्नल सोर्सेज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर रिलीजियस वैल्यूज. अ मैनेजर वैल्यूज कम फ्रॉम रिलीजियस वैल्यूज. इट मीन्स उसकी वैल्यूज, उसका कोड ऑफ कंडक्ट उसके रिलीजन से भी आएगा. वो किस तरह के एक्शंस को फॉलो करता है, वो किस तरह के बिहेवियर्स को फॉलो करता है, वो उसके रिलीजन से आएगा. सेकंड, फिलोसॉफिकल वैल्यूज. उस मैनेजर की या उस पर्सन की लाइफ को गुजार की एक्शंस और बिहेवियर्स को राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या फिलॉसफी है, उसकी जो फिलॉसफी है वो भी उसकी एक्शंस, कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी वैल्यूज को डिक्टेट करते हैं. थर्डली, व्हाट इज द कल्चर इन विच मैनेजर इज लिविंग. वो कौन सा कल्चर है जो उस मैनेजर का है, जो उस पर्सन का है. उस पर्सन की मॉरल वैल्यूज उसके कल्चर से भी आएंगी, उसके कल्चर ने उसको क्या सिखाया है. देन देर आर लीगल वैल्यूज. उस मैनेजर की, उस पर्सन की जो भी जजमेंट है वो लीगल वेज से आएगी. फॉर एग्जाम्पल, इन लीगल वैल्यूज और इन लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इफ अ पर्सन इज कमिटिंग अ क्राइम देन उसको क्या है, उसकी पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग टू लीगल वैल्यूज. तो अगर वो शख्स क्राइम नहीं करता जस्ट इस वजह से कि उसको कोर्ट या उसको लॉ उसकी सजा देगी, तो वो क्या करे, वो लीगल वैल्यूज को फॉलो करे. देन देर आर प्रोफेशनल वैल्यूज. वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो मैनेजर वर्क कर रहा है वहां के कुछ प्रोफेशनल रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो उसके अंदर जो उसकी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बिहेवियर्स हैं, वो उसके प्रोफेशन से भी आएंगे. डेफिनेटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट प्रोफेशनल वैल्यूज हैं, तो ये सारी के सारी वैल्यूज, ये सारे के सारे एक्सटर्नल सोर्सेज कंबाइन होके एक मैनेजर के रूल्स रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, मॉरल जजमेंट, मॉरल वैल्यूज को बिल्डअप करते हैं. सिमिलरली किसी भी शख्स की वैल्यूज, किसी भी शख्स की मॉरल वैल्यूज, किसी भी शख्स का कोड ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर उसके इंटरनल सोर्सेज से भी आता है. व्हाट आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ ए पर्सन. इंटरनल सोर्सेज ऑफ पर्सन that are present within the personality of a person. For example, किसी भी manager की values, उसकी rules, उसकी regulations, उसकी moral judgment, उसकी moral values, कौन से internal sources आएंगे. Respect for the authority structure. वो अपनी authority का, अपने seniors की कितनी respect करता है. If he is respective, it means उसकी moral value strong है. But वो moral value जो respect उसको हाईली रिस्पेक्टिव बना रही है, वो कहां से आ रही है, वो उसके अपने अंदर से आ रही है, वो उसका इंटरनल सोर्स है. देन लॉयलिटी. उस पर्सन में कितनी लॉयलिटी है, वो कितना सिंसेयरली वर्क परफॉर्म करता है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना सिंसेयर है, तो ये उस मैनेजर की वैल्यू लॉयलिटी से भी आएगी. देन देयर इज कन्फॉर्मिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फॉर्मिटी. दैट यू आर परफॉर्मिंग योर टास्क वेरी वेल. अगर आप अपने टास्क को वेरी वेल परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू सेटअप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या है, आपकी अगर ये वैल्यू है तो ये आपकी कन्फॉर्मिटी से आई है. आपकी पर्सनैलिटी में एक ट्रेट है कन्फॉर्मिटी. अगर वो आपके अंदर है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे टास्क बेटर परफॉर्म करेंगे. सेकेंडली, परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स. परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स ये भी उस मैनेजर की वैल्यूज को ऐड करते हैं. अगर एक पर्सन है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है,
तो डेफिनेटली, और मॉरली परफॉर्म करता है विदाउट एनी करप्शन परफॉर्म करता है, तो उस शख्स की मॉरल वैल्यूज स्ट्रांग होंगी. अगर एक पर्सन है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता, वो वहां के टास्क परफॉर्म नहीं करता, उसकी नेचर में परफॉर्मेंस का ट्रेड बिल्कुल निल है, वो किसी भी फील्ड में परफॉर्म नहीं करता, तो उसकी अगर ओवरऑल रिजल्ट बैड परफॉर्मेंस है, उसके रिजल्ट में उसको प्रमोशन नहीं मिलती, तो ये क्या है? उसने प्रमोशन को अचीव नहीं किया. ये उसकी अपनी विद इन द सोर्स, उसकी अपने अंदर पर्सनैलिटी में जो परफॉर्म ना करने की एक क्वालिटी थी, परफॉर्म ना करने का एक ट्रेड था, वहां से आया. सो इट मीन्स एक पर्सन की जो मॉरल वैल्यूज हैं, एक पर्सन की जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, बिहेवियर है, वो एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आते हैं और वो इंटरनल सोर्सेज से भी आता है. वो उस इंडिविजुअल के इर्द गिर्द एनवायरमेंट से भी आएगा और वो उस इंडिविजुअल के अंदर मौजूद क्वालिटीज, अंदर मौजूद ट्रेट से भी आएगा. देन कैन बिजनेस एथिक्स बी टॉट एंड ट्रेन्ड? आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में लॉट ऑफ वर्कर्स आर प्रेजेंट, दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क. सो इफ एनीवन इज नॉट एथिकल और इफ एनीवन इज नॉट परफॉर्मिंग एथिकल प्रैक्टिसेस वेल, देन द क्वेश्चन इज कैन बिजनेस एथिक्स बी टॉट एंड ट्रेन्ड? क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को बिजनेस एथिक्स सिखा सकते हैं? क्या किसी फैमिली में मौजूद इंडिविजुअल्स को आप एथिक्स सिखा सकते हैं या ये जस्ट इनबॉर्न है? सो एथिक कोर्सेस शुड नॉट एडवोकेट अ सेट ऑफ रूल्स फ्रॉम अ सिंगल परस्पेक्टिव. एक्चुअली एथिक्स और बिजनेस एथिक्स इज अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, इट हैज अ लॉट ऑफ परस्पेक्टिव्स, एंड एज बिजनेस एथिक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्शंस, सो बिजनेस एथिक्स शुड नॉट एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर, शुड नॉट एक्सप्लेन एथिकल रूल्स रेगुलेशंस फ्रॉम अ सिंगल परस्पेक्टिव. बिजनेस एथिक्स शुड एक्सप्लेन मॉरल बिहेवियर्स, मॉरल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम अ मल्टीपल परस्पेक्टिव्स. सो बिजनेस एथिक्स डज नॉट डिस्क्राइब फ्रॉम अ सिंगल परस्पेक्टिव, इट ऑलवेज एक्सप्लेन्स फ्रॉम अ मल्टीपल परस्पेक्टिव्स. देन बिजनेस एथिक्स शुड नॉट ऑफर ओनली वन बेस्ट सोल्यूशन टू स्पेसिफिक एथिकल प्रॉब्लम. सो देर आर अ लॉट ऑफ एथिकल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, इन डिफरेंट सिचुएशंस. सो बेस्ट बिजनेस एथिक्स प्रैक्टिस इज दैट इट शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मल्टीपल बेस्ट सोल्यूशंस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम. अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैमिली में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कल्चर में कोई भी एक एथिकल प्रॉब्लम है, तो बिजनेस एथिक्स को उस एथिकल प्रॉब्लम के लिए अ लॉट ऑफ बेटर सॉल्यूशंस देने चाहिए, देन बिजनेस एथिक्स इज परफेक्ट. सो बिजनेस एथिक्स शुड नॉट प्रॉमिस सुपीरियर और एब्सोल्यूट वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग इन सिचुएशंस. एज यू नो देर इज नो परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिज्म डजेंट एग्जिस्ट. इफ परफेक्शनिज्म डजेंट एग्जिस्ट देन हाउ कैन वी से दैट देर इज एब्सोल्यूट वे ऑफ थिंकिंग और देर इज सुपीरियर वे ऑफ थिंकिंग. सो डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेव करने के लिए बिजनेस एथिक्स कभी भी कोई एब्सोल्यूट, कोई सुपीरियर, वन एंड ओनली एंड परफेक्ट वे नहीं बताती. So, it should not depict, it should not explain absolute ways of thinking. Then, scholars argue that ethical training can add value to the moral environment of a firm and to the relationship in the workplace. Ab different scientists hain, different scholars hain, different investigators hain, different researchers hain. Unhone different organizations and different individuals pe research ki. तो उससे उन्होंने क्या रिजल्ट अटेन किया कि बिजनेस एथिक्स से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज और उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का आपस में रिलेशनशिप एंड एम्प्लॉयज का फर्म के साथ रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है? अ
अगर उस फर्म में मौजूद इम्प्लॉयज को एथिकल ट्रेनिंग दी जाए तो उससे उन इम्प्लॉयज का ना सिर्फ आपस में लिंक स्ट्रांग होगा बल्कि उन इम्प्लॉयज का विद इम्प्लॉयर एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लिंक स्ट्रांग होगा. तो ये कैसे आप बिजनेस एथिक्स ट्रेनिंग कंडक्ट कर सकते हैं? बिजनेस एथिक्स ट्रेनिंग कैन बी डन बाय फाइंडिंग अ मैच बिटवीन इम्प्लॉयर्स एंड इम्प्लॉयज वैल्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो इम्प्लॉयर्स एंड इम्प्लॉयज हैं उनकी वैल्यूज को आपस में मैच करना है. फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस एथिक्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यह ट्रेनिंग देती है कि करप्शन इज नॉट गुड. सो इफ इम्प्लॉयर इज नॉट इन्वॉल्व इन करप्शन देन इम्प्लॉयर शुड नॉट इन्वॉल्व इन करप्शन. सो इम्प्लॉयर एंड इम्प्लॉय की वैल्यूज को मैच करना चाहिए. इफ इम्प्लॉयर इज इन्वॉल्व इन करप्शन एंड इम्प्लॉय इज नॉट इन्वॉल्व इन करप्शन, और इफ employer is not involved in corruption and if employee is involved in corruption then there are then these people have different values. So first of all match the values of employer with the employee so that a better working environment can be generated within the organization. Then handling an unethical directive, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अनएथिकल रूल रेगुलेशन गाइडलाइन प्रिंसिपल कोई भी ऐसी पॉलिसी जो अनएथिकल वेज को जनरेट करेगी उस पॉलिसी को आपने खत्म कर देना है. सेकेंडली, इफ यू आर ऑब्जर्विंग दैट कहीं पर भी किसी भी जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में कोई अनएथिकल एक्टिविटी हो रही है, इफ एनीवन इज इन्वॉल्विंग इन करप्शन देन इमीडिएटली आपने उसका सॉल्यूशन करना है. देन कोपिंग विद अ परफॉर्मेंस सिस्टम दैट एनकरेजेस अनएथिकल मीन्स. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट परफॉर्मेंस सिस्टम्स होते हैं. परफॉर्मेंस सिस्टम्स मीन्स एक ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनसे आप वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को जज करते हैं. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा परफॉर्मेंस सिस्टम है जिससे अनएथिकल मीन्स इनकरेज हो रहे हैं तो आपने उस परफॉर्मेंस सिस्टम को खत्म करना है. फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस दैट फेवरेटिज्म से आपको प्रमोशन मिलती है. तो ये अगर एक परफॉर्मेंस सिस्टम है जिसमें आप फेवरेटिज्म को इनकरेज कर रहे हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेटिज्म के थ्रू आपको प्रमोशन मिलती है तो बिजनेस एथिक्स की ट्रेनिंग आपको ये सिखाएगी कि इस फेवरेटिज्म को खत्म करके कैसे मेरिट का सिस्टम लेकर आना है. सो कोपिंग विद अ परफॉर्मेंस सिस्टम दैट एनकरेजेस अनएथिकल मीन्स.